आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से मध्य प्रदेश की सभी विधानसभा में चुनाव लड़ेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जावेद अंसारी। रीवा में आज पत्रकार वार्ता करके आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष और पंजाब के विधायक ने पत्रकार वार्ता के दौरान ये साफ कर दिया, हम मध्य प्रदेश की सभी सीटों में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनका कहना था भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिलकर हमारे खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, जिसका जीता जाता उदाहरण दिल्ली और पंजाब का चुनाव है। आइए आपको सुनाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा। आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आज रीवा में पत्रकार वार्ता करने के दौरान मध्य प्रदेश आम आदमी पार्टी की अध्यक्ष सिंगरौली महापौर सहित पंजाब के विधायक मौजूद रहे। उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान साफ तौर से कहा, हम मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम साफ तौर से भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, उनका ये भी कहना था। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिलकर हमारे खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, जैसा कि दिल्ली और पंजाब में आप लोगों ने देखा होगा। हमारा मुकाबला पूरे लोगों से होता है, भाजपा कांग्रेस से होता है। हम भ्रष्टाचार को खत्म करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली से शुरुआत की और भगवंत मान इस समय पंजाब में कर रहे हैं। हम तमाम उन मुद्दों के खिलाफ हैं जिनसे जनता को परेशानी होती है। हमारी सरकार जनता के हित के लिए, जनता की भलाई के लिए काम करती है। सुनिए सिंगरौली महापौर और पंजाब के विधायक ने क्या कुछ कहा। आम आदमी पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन पर और हमारे राज्यसभा सांसद माननीय संदीप पाठक जी के नेतृत्व में पूरे संगठन का काम चल रहा है। लगभग ब्लॉक स्तर तक बन चुका है और बूथ सर्किल गांव तक लगभग बन रहा है और जल्द ही हमारे एक एक कार्यकर्ता और हमारा संगठन लगभग पूरे लगभग बनकर और एक एक मध्य प्रदेश की जनता के घर तक कार्यकर्ताओं के साथ हम पहुंचेंगे और साथ में दिल्ली में के मॉडल के अनुसार और मध्य प्रदेश की जो स्थानीय मुद्दे हैं, जनता के जो मुद्दे हैं, बिजली, रोड, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों का अधिकार, पेंशन, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हम पहुँचेंगे घर घर तक। आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 70-75 सालों से जनता त्रस्त है और बीजेपी कांग्रेस दोनों हाथों से जनता को लूट रही है, तो जनता के पास कोई विकल्प नहीं था। तो एक विकल्प के रूप में एक नाम केजरीवाल जी के नाम इस बार विकल्प है और जनता इस बार चुनेगी और आम परिवर्तन लाएगी और बदलाव लाएगी और एक मौका केजरीवाल जी को देगी। अपने बीच अपने पंजाब से विधायक और मध्य प्रदेश की सह प्रभारी के रूप में दिनेश चड्ढा जी आए हैं और आप सबको आगे बताएंगे। आज रीवा के मीडिया के जितने भी बंधु, मीडिया के जितने भी भाई आज की इस प्रेस वार्ता में शामिल होने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, सबसे पहले तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप मध्य प्रदेश के हित में, मध्य प्रदेश के इंटरेस्ट में हमसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और मेरे साथ आज की इस प्रेस वार्ता में हमारी प्रदेश अध्यक्ष मैडम रानी अग्रवाल जी, यहाँ के हमारे लोकसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी की यहाँ की समूची पूरी की पूरी टीम आपसे रूबरू हो रही है। तो जैसा कि हमारी प्रदेश अध्यक्ष मैडम अग्रवाल ने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी को गांव-गांव तक, घर घर तक पहुंचाने के लिए आम आदमी पार्टी के संगठन में लगातार विस्तार किया जा रहा है और आज आपके रूबरू मैं इसलिए हो रहा हूं क्योंकि
अब आपसे मेरा मिलना जुलना लगा रहेगा, क्योंकि मुझे सभी बंधुओं ने, पार्टी के भाइयों ने और पार्टी की लीडरशिप ने इस बिंद क्षेत्र में पार्टी के प्रभारी के तौर पर, सह प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी निभाने के लिए यहाँ भेजा है। तो पंजाब में तो लोगों की सेवा कर रहे हैं सरदार भुवन सिंह मान जी की अगुवाई में, अब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अरविंद केजरीवाल जी के हुक्म अनुसार और जो हमारे संगठन के महामंत्री हैं डॉक्टर संदीप पाठक जी, उनके निर्देश अनुसार अब बिंद के क्षेत्र में भी आपके साथ मिलकर यहाँ के लोगों के हित में पार्टी के बंधुओं के साथ मिलकर सेवा निभाएंगे। और आप सबको पता है, मैं भी पहले भी रोज न्यूज़ में देखते हैं, अब तो यहाँ आकर आप सब लोगों से मिले हैं, भोपाल में भी, रीवा में भी, तो पता करने की कोशिश की कि यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट है तो मुख्यमंत्री साहब ने कौन कौन सा विकास यहाँ पर किया है, यहाँ के लोगों के हित में क्या क्या किया है। तो जानकर बहुत बुरा भी लगता है, बहुत हैरानी भी होती है कि जब हम यहाँ का विकास, यहाँ की तरक्की ढूंढने निकलते हैं तो तरक्की के रूप में कभी तो इनका पोषण घोटाला सामने आ जाता है, जिसका कि कैग की रिपोर्ट ने भी, आप सबको पता है, आप भी छापते हैं मीडिया में, जिसका कैग ने भी लिखा है पोषण घोटाले के बारे में, जो कि 550 करोड़ से बड़ा घोटाला है। तो व्यापम घोटाला अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, ये इनकी यहाँ पर तरक्की है, उसे आगे चले। कोई ऐसी पॉलिसीज यहाँ बन रही है जिनमें ज़मीन के बड़े घोटाले हो रहे हैं, वो हमारे जो पदाधिकारियाँ आने वाले समय में आपके सामने रखते रहेंगे। और एक और तरक्की यहाँ हुई है, नशा माफिया यहाँ पर बहुत ज़्यादा पनप रहा है, बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। माइनिंग माफिया का आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि माइनिंग माफिया को यहाँ नई फैसिलिटी यहाँ की गवर्नमेंट ने दे दी है, जो माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं पहले कम समय के लिए होते थे, अब सीधे 5 साल के लिए हो जाएंगे, उन्हें दोबारा कोई कष्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 साल के लिए आप लगातार 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट देने का मतलब इस मुल्क का हर व्यक्ति समझता है। और अगर क्राइम रेट में, जो बीजेपी की गवर्नमेंट के दौरान क्राइम रेट में मध्य प्रदेश ने तरक्की की है, उसकी तो तौबा ही करनी बनती है। अगर आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अंकड़ों की हम बात करें तो मध्य प्रदेश को मोस्ट अनसेफ फॉर गर्ल चाइल्ड एंड सीनियर सिटीजन NCERB की रिपोर्ट में कहा जा रहा है, और मध्य प्रदेश सीरियल किलिंग में टॉप कर रहा है। यहीं पर नहीं, मध्य प्रदेश क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन में भी टॉप कर रहा है, और दलित के अगेंस्ट, हमारे दलित भाइयों के अगेंस्ट जो हाईएस्ट क्राइम रेट है वो भी मध्य प्रदेश में पाया जा रहा है, ये NCERB के जो अंकड़े हैं। और इसके बिना किसान भाइयों को लेकर मैं आज का भी न्यूज़पेपर देख रहा था, किसान भाइयों की इस तरह फसल खराब हो जाती है तो किसान भाइयों को दफ्तरों में धक्के खाने पड़ रहे हैं, ना वहाँ पर उनका कोई ऑफिसर सुनवाई कर रहा है, ना कोई मुलाजिम सुनवाई कर रहा है, ना कोई बीजेपी का नेता सुनवाई कर रहा है। ये तरक्की मध्य प्रदेश में ये बीजेपी की गवर्नमेंट ने अपने कार्यकाल में की है। आप सबको पता है कि जब इलेक्शन लड़ रहे थे विधानसभा का, तब बीजेपी ने नारा दिया था, बीजेपी ने ऐलान किया था कि 10 लाख नौकरी हर साल मध्य प्रदेश के नौजवानों को दिया जाएगा, 10 लाख नौकरी। अब मैं तो पत्रकार बंधुओं से पूछता हूं कि आप ही मुझे, आपके पास तो ज़्यादा अंकड़े होंगे, आप बता कर जाइए कि 10 लाख में से ये 5 साल में तो 50 लाख नौकरी बनती थी, कितनी नौकरियाँ दी हैं ये आप सब जानते हैं, क्योंकि ये नौकरियाँ इसलिए नहीं दी जा रही, आप लोगों के माध्यम से ही मुझे अखबारों से, मैं कल परसों देख रहा था कि एक हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का OSD, उच्च शिक्षा डिपार्टमेंट का OSD, वो किसी प्रमोशन के मामले में फोन के ऊपर ही लाखों रुपए की रिश्वत मांग रहा था, जिसके ऊपर कार्यवाही करने की कोई सरकार ने ज़रूरत नहीं समझी। जब आप लोगों ने, मीडिया के साथियों ने बहुत ज़्यादा दबाव डाला, बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला, तब उसको जाकर बर्खास्त किया गया, क्रिमिनल कार्रवाई अभी भी नहीं हुई है। तो जिस स्टेट में किस लेवल तक की करप्शन हो, किस लेवल तक की धांधली हो, वहाँ पर फिर नौजवानों को नौकरियाँ वो तो सिर्फ नारों में, चुनाव में दी जा सकती हैं, अदरवाइज नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, चाहे दिल्ली में है चाहे पंजाब में है, आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी, सरदार भगवंत सिंह मान जी 1 मिनट लगाते हैं, 1 सेकंड लगाते हैं, चाहे कोई अपना ही मंत्री क्यों ना हो,
चाहे कोई अपना ही विधायक क्यों ना हो, वो ऐसे तो दूर की बात है, जिसका कोई करप्शन का थोड़ा सा भी मामला सामने आया, साथ की साथ FIR, साथ की साथ जेल में, और यहाँ पर जो OSD साहब को अब तक न छोड़ रखा है, क्योंकि उनको पकड़ेंगे तो पीछे और बड़े बड़े भी पकड़े जाएंगे। और आपको पता है कि आम आदमी पार्टी लड़ाई किस चीज़ के लिए लड़ रही है? आम आदमी पार्टी लड़ाई लड़ रही है आम लोगों के लिए। जो आम लोगों के मुद्दे हैं वो कभी भी ये BJP के और कांग्रेस के एजेंडे पे नहीं होते, क्योंकि इन दोनों का एजेंडा एक है, आम लोगों की। आपको पता है कि मध्य प्रदेश में आज बिजली की क्या भाव है, मध्य प्रदेश में बिजली की क्या रेट है? दिल्ली में तो बिजली पैदा नहीं होती, यहाँ तो बिजली पैदा भी होती है बट यहाँ पर बिजली मुल्क में देश में सबसे महंगी बिजली में से एक मध्य प्रदेश की बिजली है, जबकि दिल्ली में दिल्ली के लोगों के लिए और पंजाब में पंजाब के लोगों के लिए आम आदमी पार्टी फ्री बिजली दे रही है, मुफ्त बिजली दे रही है। अभी एक साल हुआ पंजाब में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी, पहले साल में 30,000 नौकरियां दे दी, पहले साल में ही कच्चे मुलाजमों को पक्के करना शुरू कर दिया, पहले साल में स्कूल ऑफ एमिनेंस दिल्ली की तरह पंजाब में बनाने शुरू कर दिए, और भ्रष्टाचार के खिलाफ पहले साल में ही बहुत अच्छा माहौल बना दिया। चाहे किसी अपने मंत्री ने अपने MLA ने भी करप्शन की, उसको साथ ही साथ उठाकर जेल में दे दिया। जब भ्रष्टाचार के खिलाफ ये माहौल आम आदमी पार्टी ने बनाया है दिल्ली में और पंजाब में, तभी लोगों का पैसा लोगों के ऊपर लग रहा है, तभी लोगों के पैसे से लोगों को नौकरी दी जा रही है, मुफ्त बिजली दी जा रही है, अच्छे स्कूल दिए जा रहे हैं और फैसिलिटीज दी जा रही है। अब मध्य प्रदेश की बारी है, मध्य प्रदेश में भी आप अगर हम लोग मिलकर गांव-गांव तक आपके माध्यम से अपनी बात पहुंचाकर इस आम आदमी पार्टी की लहर को मजबूत करेंगे। पहले आपने मैडम अग्रवाल के रूप में इस क्षेत्र में बहुत बड़ा आपने सपोर्ट किया है आम आदमी पार्टी की लहरों का, जो आम लोगों के अधिकार की लहरों को पहले आप बहुत बड़ा सपोर्ट कर चुके हैं, और अब आने वाले चुनाव तक एक मजबूत टीम यहाँ खड़ी कर ये जो घोटालों की पार्टी है, जो आम आदमी पार्टी से लड़ने के लिए BJP और कांग्रेस दोनों गठजोड़ कर रहे हैं, तब हम इनको करारा जवाब दे सकेंगे। और मैं आप यहाँ का संगठन में काम करने के लिए सहप्रभारी होने के नाते मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में अपने प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में हम गांव-गांव तक जो अपनी टीम है उसको मजबूत कर रहे हैं, ताकि ये जो घोटालेबाजी मध्य प्रदेश में हो रही है और जो आम लोगों के अधिकारों को यहाँ छीना जा रहा है, उनके लिए हम आवाज़ बुलंद कर सकें और इन लोगों को घर पे बिठा सकें और आम लोगों की सरकार यहाँ पर बना सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आने वाले दिनों में आप लगातार बिना डरे बिना झुके जो आम लोगों की आवाज़ है इसी तरह आप उठाते रहेंगे। थैंक यू।